हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंगल डिजिट नंबर लेंगे, जैसे मैंने लिया 8, 10, 7, 5, 4। ओके, ये सिंगल डिजिट नंबर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना रहता है, जो सबसे बड़े नंबर होते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, उन्हें हम पहले रखेंगे। ठीक है, अब इस सब में सबसे बिगेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो 7 है, नहीं 8 है, नहीं 10 है। ठीक है, तो 10 हमारा बिगेस्ट नंबर होगा, तो हम इसे पहले रखेंगे। इसी तरह उसके बाद जो बिगेस्ट नंबर होगा वो लिखेंगे, उसके बाद जो बिगेस्ट होगा वो लिखेंगे। इस तरह से हम सीरीज़ तैयार करेंगे। तो वो होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे जो बड़े नंबर है वो पहले, बड़े बड़े फिर छोटे, ऐसे करके घटते हुए क्रम में दिखाते जाएंगे। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ओके, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था, जो सबसे छोटे वाले नंबर होते थे वो पहले लिखे जाते थे। तो छोटे वाले नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर, वो मैंने आई बटन पे मैंने डाल दिया है, उसे आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो लिखेंगे, तो ये पहले 10 हमारा लिखाएगा। 10 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है? 5 है, नहीं है, 8 है। तो 10 के बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद फिर आएगा 7, फिर आएगा 5 और फिर 4। ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, सबसे बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ओके, तो ये हो गया, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब सेकंड एग्जांपल में 2, 6, 0, 8, 9 and 3। तो अब हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे। तो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, आप खोजिए कौन सा होगा। सबसे बिगेस्ट नंबर 3, 9, 8, 9 होगा। 6 होगा? नहीं होगा, तो 9 होगा। तो सबसे बिगेस्ट नंबर लिखेंगे 9। 9 के बाद कौन सा बिगेस्ट नंबर है? 8, राइट, 8 है। उसके बाद कौन सा है? 6। उसके बाद फिर 3 है या 2 है? 3 है। उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 0। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये तो हो गया सिंगल डिजिट का नंबर। अब हम टू डिजिट नंबर लेकर के चलेंगे, जैसा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में बताया था। टू डिजिट नंबर में फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 23, 54, 1, 4, 14, 9 सिंगल डिजिट नंबर है, और 3, 0, 30। ठीक है, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो देखिए ये टू डिजिट नंबर है। ओके, तो इसमें जो सबसे हमारा जो पहला नंबर होगा उसे हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, पहले नंबर जैसे इसमें 23 में 2 पहला नंबर है हमारा, 54 में 5 है, इसमें 1, 9 इसमें 3 है, 3, 0, 30 में पहला नंबर 3 है, यानी 10 हमें देखना है। तो 2, ठीक है, 2, 5 में कौन सा बड़ा नंबर होगा? 1, 9, 3। तो कौन सा होगा हम ये देखेंगे। तो देखिए 5 सबसे बिग नंबर है, 5 बिग नंबर, इसका मतलब 54 हमारा बिग नंबर हो जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे 54। अब 54 के बाद पहला नंबर देखेंगे 9, लेकिन 9 तो सिंगल डिजिट है इसलिए इसे नहीं लेंगे। तो 5 के बाद 3, 0, 30 है, 5 के बाद 3, 0, 30 हो जाएगा, क्योंकि 22 तो हमारा स्मॉल है। उसके बाद हम 23 लिखेंगे, उसके बाद फिर 1, 4, 14 और फिर ये 9 लिखा जाएगा, क्योंकि 9 सिंगल डिजिट है तो सबसे कम होगा। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब है 60, 45, 73, 62 और 95। तो इसमें देखिए हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, 60 में 6 पहला नंबर, 4, 6, 4, 7, 6 और 9। इसमें देखें कौन सा सबसे बिग नंबर है, बड़ा नंबर, तो 9 है सबसे बड़ा नंबर, यानी कि 95 हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर। तो 95 लिख लिए। उसके बाद फिर कौन सा बड़ा नंबर है? 73, 7 बड़ा नंबर है, इसलिए 73 हो जाएगा। 45 नहीं है, 60 भी नहीं है, 7 है बड़ा नंबर, तो 73 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा, देखिए यहाँ पर अब 6 आ गया, तो 60 भी होगा, ये तो 4 है,
45 यानी कम हो जाएगा, 6060, लेकिन 62 भी है, यानी पहला नंबर दो जगह है 66, तो 62 और 60 में कौन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है 62 ही हमारा बड़ा होगा, तो 62 लिखा जाएगा, उसके बाद फिर 60, उसके बाद फिर 45, तो ये हमारा हो गया 95, 73, 62, 60 और 45, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से पहले नंबर को देख करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, देखिए नंबर है हमारा 54, 04, 65, 93। अब इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन हो गया, पहला नंबर देखते हुए 93, उसके बाद कौन सा है 6 यानी 65, उसके बाद पहला नंबर कौन सा बड़ा है 54 यानी 54, अब ये है 04, तो 04 का मतलब 4 ही होता है, अगर किसी नंबर के पहले 0 हो तो उसका मतलब वही नंबर हो जाएगा, यानी 04 इज इक्वल टू ओनली 4, ओनली 4 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंगल डिजिट नंबर समझिए, तो इसे हम लास्ट में लिखेंगे 4, ठीक है, 4 भी लिख सकते हैं, 04 भी लिख सकते हैं, मैंने 4 ही लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया 93, 65, 54 और 4 का, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझा होगा, ठीक है, कि कैसे इसे बनाना होता है, कैसे हम बिग नंबर को लिखते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं। तो वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि रेड कलर में है नीचे बटन, उसे आपको प्रेस करना है, फिर बेल बटन भी प्रेस करिएगा, मैं जो वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे, ओके ओके फिर थैंक यू।